रियाजुल जन्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे शरीफ और मिंबर की दरमियानी जगह रियाजुल जन्ना कहलाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी नकल करती हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर कयामत के दिन हौज़े कौसर पर होगा। रियाजुल जन्ना की निशानदेही के लिए इस जगह सब्ज रंग के कालीन बिछाए गए हैं। सात सुतून। यूं तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा नूर फिशा है, मगर रियाजुल जन्ना के वो सात सुतून जिन्हें संगमरमर के काम और सुनहरी मीनाकारी से नुमाया कर दिया गया है, खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये सुतून रोजे अनवर की मगरबी दीवार के साथ सफेद रंग के जरिए मुमताज किए गए हैं। ये खास सुतून है और इनकी दरमियानी जगह जन्नत का टुकड़ा है। नंबर एक, सुतून हन्नाना। ये मेहराब नबी के करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुतून के पास खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। यही वो खजूर का दरख्त दफन है जो लकड़ी का मिंबर बन जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में बच्चों की तरह रोया था। नंबर दो, सुतून आयशा सिद्दीका। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक ऐसी जगह है कि अगर लोगों को वहां नमाज पढ़ने की फजीलत का इल्म हो जाए तो वो कुरानदाजी करने लगे। तिब्रानी। इस जगह की निशानदेही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाई थी। ये वही जगह है। नंबर तीन, सुतून अबी लुबाबा। एक सहाबी हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कसूर इस जगह मुआफ हुआ था। उन्होंने अपने आप को इस सुतून के साथ बांध लिया था। नंबर चार, सुतून वफूद। इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आने वाले वफूद से मुलाकात फरमाते थे। नंबर पांच, सुतून हर्स। इस मकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर नमाज पढ़ा करते थे और इसी जगह बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी किया करते थे। इसको सुतून अली भी कहते हैं। नंबर छह, सुतून सरीर। इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ फरमाया करते थे और रात को यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछा दिया जाता था। नंबर सात, सुतून तहज्जुद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तहज्जुद की नमाज अदा फरमाया करते थे। ये तमाम सुतून उस हिस्से मस्जिद में हैं जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। उनके पास जाकर दुआ और इस्तिग़फ़ार कीजिए और जब भी मौका मिले उनके पास सुन्नतें और नवाफिल अदा कीजिए। ये वो मुतबर्रिक मकामात हैं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम बेशुमार दफा मुतवज्जे हुई। मस्जिद नबवी के सहन। मस्जिद नबवी के जुनूबी, शिमाली और मगरबी अतराफ में वसी सहन तामीर किए गए हैं जिनका रकबा 2,35,000 मुरब्बा मीटर है। खूबसूरत फर्श के साथ इन सहनों में रोशनी के 151 सुतून हैं जिन पर बड़े बड़े ग्लोब लगाए गए हैं। इन सहनों के इर्द गिर्द मजबूत चार दीवारी बनाई गई है। इन सहनों में तकरीबन 4,30,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। इस तरह मस्जिद नबवी का कुल रकबा छत और तमाम सहनों को मिलाकर 4,500 मुरब्बा मीटर हो जाता है, जिसमें तकरीबन 6,70,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। रश के दिनों में यह तादाद तकरीबन 10 लाख भी हो जाती है। मस्जिद नबवी के सहनों में कई मकामात पर सीढ़ियां बनाई गई हैं जो सहन के नीचे बने गुस्ल खानों, वजू के मकामात और जायरीन की आरामगाहों की तरफ जाती हैं। इसी तरह सहनों के नीचे वसी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं, गोया सहनों के दो मंजिलें हैं। खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा अलहदा वजू और गुस्ल खाने काफी तादाद में मौजूद हैं।